मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट, वर्कशीट नंबर 10, ये आपकी लास्ट वर्कशीट है। लास्ट वर्कशीट में आपका निबंध है और निबंध में सबसे पहला निबंध है मेरा परिचय। क्या है? मेरा परिचय। मेरा परिचय में देखिए, पहली लाइन है मेरा नाम डैश डैश है, यानी इस लाइन में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जिसका जो भी नाम है वो अपना नाम लिखेगा। पहली लाइन क्या है? मेरा नाम डैश डैश है, यानी ये जो हमने लाइन खींची है इसमें आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा, मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ। इसके बाद तीसरी लाइन, मेरी माँ का नाम डैश डैश है, इसमें अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे सारे बच्चे। मेरी माँ का नाम डैश डैश है, यानी जो हमने लाइन छोड़ दी है ये इसमें आप अपनी मम्मी का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद चौथी लाइन में मेरे पिता का नाम डैश डैश, मेरे पिता का नाम डैश डैश है, मैंने यहाँ भी लाइन छोड़ा है, इसमें आप अपने पापा का नाम लिख लेंगे। ठीक है ना, और लास्ट लाइन है मैं शिवनगर भोपाल में रहता हूँ। मैं शिवनगर भोपाल में रहता हूँ। तो ये मेरा परिचय निबंध है। पहली लाइन में आपको अपना नाम लिखना है, दूसरी लाइन में मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ, तीसरी में आपको मम्मी का नाम लिखना है आपकी, चौथे में मेरे पिता का नाम, इसमें आपके पिता का नाम लिखना है, और मैं शिवनगर भोपाल में रहता हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा निबंध है आपका गाय का निबंध, जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ना, हमने पहले भी गाय का निबंध कर चुके हैं। गाय एक पालतू पशु है, इसका मतलब क्या है? गाय हम पालते हैं। ठीक है, तो गाय एक पालतू पशु है। गाय के चार पैर होते हैं, सभी बच्चों को पता है। गाय के दो आँखें होती हैं, ये भी पता है। गाय के चार थन होते हैं, ये भी पता है। और गाय हमें दूध देती है। तो इस तरह से ये गाय पर हमने पांच लाइन का निबंध लिखा है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है, ये आपके पेपर में भी आएगा। तो ये निबंध दोनों में से एक निबंध कोई भी आ सकता है, आपको दोनों तैयार रखने हैं। फिर से देखते हैं हम गाय का निबंध। गाय एक पालतू पशु है, गाय के चार पैर होते हैं, गाय की दो आँखें होती हैं, है ना, और गाय के चार थन होते हैं, और गाय हमें दूध देती है। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। बस अब आपको इसे याद करना है और याद करके लिखना भी है। ठीक है,